वेलकम 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 गाइज वेलकम वेलकम कितनी बार वेलकम बोलूं मैं आप सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का बाहें फैलाकर, स्वागत है बैच अर्जुना में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली, स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए जोश नई उमंग के साथ। मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं इस लाइव सेशन में। अब खास क्यों है यार, सबसे पहले मैं ये चीज आप लोगों को बताता हूं। जब मैं पीएचडी कर रहा था, जब मैंने इस यूट्यूब चैनल को बनाया था उस समय, और इस यूट्यूब चैनल को बनाने का एक खास उद्देश्य था कि जिस दिन मैं पीएचडी के लिए ये सब ट्राई कर रहा था, पीएचडी के दौरान बहुत सारी इंटरनल समस्याएं होती हैं लेकिन उनका समाधान के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। तो मैंने जो पीएचडी के दौरान यूनिवर्सिटी कैंपस में रहते हुए जो सीखा, उस नॉलेज को डिलीवर्ड आप लोगों तक करने के लिए इस चैनल की शुरुआत की थी। जुड़ता गए, कारवा जुड़ता गया, लाखों की संख्या में आप दोस्त मेरे साथ इस कारवे में जुड़ते गए। लेकिन हुआ ये साथियों कि कभी भी इस चैनल पर मैंने क्लासेज अपलोड नहीं की। मैंने हमेशा जब भी इस पर अपलोड किया, मैंने अपलोड किया हमेशा कि जो आपको बेस्ट गाइडेंस से संबंधित मैंने वीडियोज आप लोगों के लिए सुनाई। लेकिन मैंने अभी डिसाइड किया है कि क्यों ना यार हम इस इतने बड़े चैनल का उपयोग करें और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के पास पहुंचा जाए बैच अर्जुना लेकर। इसमें मैं आपको एनटीए नेट को ध्यान में रखते हुए, चाहे 2023, 2024, 2025 किसी भी वर्ष से वीडियो चल रहा हो, उसको ध्यान में रखते हुए कि क्यों ना यार पेपर वन आप लोगों को यहां पर पढ़ाया जाए। क्योंकि मैं इस चीज को मानता हूं कि खासकर जो मैथ रीजनिंग डीआई का जो पार्ट है, वो ह्यूमैनिटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, खासकर आर्ट्स के जो स्टूडेंट होते हैं, कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उन्होंने टेंथ के बाद में मैथ नहीं पढ़ा होता है। तो क्यों ना मेरा जो अनुभव है इतना लंबा, उसके आधार पर बेसिक से जीरो से लेकर हाई तक मैं आपको इस टॉपिक को पढ़ाऊं। मेरा हमेशा एक सिद्धांत है मैथ रीजनिंग पढ़ाने के दौरान कि स्टूडेंट को ए से लेकर जेड तक एबीसीडी आनी चाहिए और एक से लेकर सौ तक गिनती आनी चाहिए। अगर ये दो चीज अगर आपको है आती हैं तो मैं आपको मैथ सिखाने का मादा रखता हूं। तो यार स्वागत है बैच द्रोणा में। तो यार सबसे पहले तो ये बता दो कि वीडियो को आप लाइक कर दो, पूरी ईमानदारी के साथ लाइक कर दो और शेयर भी कर दो सब जगह। अब आते हैं आपके कमेंट्स पर और बैच अर्जुना की तरफ चलता हूं। क्या पढ़ाने वाला हूं, कितना लंबा ये सेशन होने वाला है, तमाम बातें करेंगे। आज ये हमारी पहली क्लास है इसलिए मैं कुछ और भाव विभोर होकर आप लोगों से कई सारी बात कर रहा हूं। बड़ी संख्या में आप लोग देख रहे हो, एक बार सब लोग लाइक कर दो और अपना अपना सब्जेक्ट कमेंट्स में लिखकर बता दो। अपना अपना सब्जेक्ट कमेंट में लिखकर आप लोग बता दीजिए यार। हाय गाइज, हेलो हेलो हेलो, यू आर बेस्ट टीचर, हेलो 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 एवरीबडी, विपिन, राजेश, उर्वशी, सारे बहुत सारे लोग हैं एकदम। सब आ जाओ यार, सब आ जाओ, सब आ जाओ, मजा आ रहा है, एकदम मजा आ रहा है। तो आवाज वगैरह ठीक है? तो यार मैंने एक सोचा एक चीज कि रोज रात 9 बजे, रात का 9 बजे का समय ऐसा है कि जितने भी लोग हैं ना सब अपने घर पर रहते हैं, और खासकर हमारी वो दोस्त जो गृहिणी हैं, घर का कामकाज निपटाने के बाद 9 बजे वो फ्री हो जाती हैं, और ये उन्हीं के लिए समर्पित ये बैच है, बैच अर्जुना। गांडीवधारी अर्जुना, वो सुना आपने? तो वो है आप गांडीवधारी अर्जुना। अब नया धनुष, नया बाण दिया है तुमने आकर जिंदगी में। मैंने एक बहुत पहले कविता लिखी कि अच्छा किया तुमने आकर जिंदगी में, अब नया नया सा हो गया हूं तुम्हें पाकर जिंदगी में। भेदूंगा सभी लक्ष्य, ऐसा निशाना दिया है तुमने आकर जिंदगी में। तो यार बड़ा अच्छा लगता है, आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं खासकर इस चीज को लेकर कि हमने बैच अर्जुना स्टार्ट कर दिया है। आप लोग क्या हो, आप लोगों की मन स्थिति बताइए।
आप लोगों की मनस्थिति बताइए कि आप लोग खुश हो कि हमने पेपर वन के लिए क्लासेज स्टार्ट कर दी हैं रोज 9 बजे। हाय मितलेश, हाय मुरारी, अनुभा, शिवांगी, कोमल, वर्तिका, सब लोग आते जाइए, चारों तरफ फैला दीजिए क्लास को, अपने ग्रुप्स में सब जगह। बहुत हैप्पी हैं, मैं बहुत खुश हूँ, सीरियसली गाइस, मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि यार हमने एक नई शुरुआत कर दी है। तो शुरू करें, मैथ्स से शुरू करते हैं। देखो, मैं NTA नेट पेपर वन पढ़ाऊंगा ऑल यूनिट, जितनी 10 की 10 जो यूनिट है ना, सारी यूनिट कवर करवाने वाला हूं बैच अर्जुन में। बैच अर्जुना में सारी की सारी यूनिट्स कंप्लीट करवाने वाला हूं। शुरुआत मैथ रीजनिंग DI से करूंगा। मैथ रीजनिंग DI से इसलिए करूंगा क्योंकि ये टॉपिक इस प्रकार से हैं कि एग्जाम के टाइम पर हम मैथ रीजनिंग और DI को नहीं पढ़ सकते। तो अगर हम मैथ रीजनिंग DI को अभी तैयार कर लेंगे तो एग्जाम में हमारा प्रेशर हम पर नहीं रहेगा एग्जाम के दौरान। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम मैथ रीजनिंग से पहले दो दो हाथ कर लेते हैं, है ना। तो यार शुरू करते हैं इस क्लास को। सर कब तक हो जाएगा पेपर वन? बस आप तो डेली 9 बजे आ जाया करो, डेली 9 बजे, एक दिन की भी छुट्टी नहीं है। संडे हो या मंडे, रोज खाने पड़ेंगे आपको मेरे डंडे। मैं संडे का भी ऑफ लेने वाला नहीं हूं। अब बीड़ा उठा लिया तो उठा लिया यार, इतने दिनों से नहीं उठा रखा, आज उठा लिया बीड़ा तो उठा लिया। तो जीरो से लेकर हीरो बनने का सफर मैथ से शुरू करेंगे। पहले मैथ पढ़ेंगे, मैथ रीजनिंग, फिर DI पढ़ेंगे, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ेंगे और टॉपिक उसके बाद। पर ध्यान रहे, ऑल यूनिट कवर करवाऊंगा 10 के 10 यूनिट। रिसर्च मैंने खुद ने PhD के दौरान पढ़ा है, पूरा रिसर्च कंप्लीट करवाने वाला हूं, पूरा कम्युनिकेशन, ICT, हर टॉपिक को मैं यहां पर कवर करूंगा। हाँ, इसी YouTube पर पढ़ाएंगे साथियों, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलें बैच अर्जुना के लिए। सब लोग तैयार हैं बैच अर्जुन में? चलिए यार, पूजा यादव, मेरे पास सबके कमेंट्स आ रहे हैं गाइस, मैं सबके कमेंट्स देख रहा हूं, आप ऐसा मत सोचना कि मैंने हमने किसी का नाम नहीं लिया। ओके, तो यार बैच अर्जुन तैयार हो मेरे अर्जुनो? तैयार? चलिए देखो यार, ये है मैथ का पूरा सिलेबस, आप देख लीजिए। इकाई नंबर 5 जो है वो मैथ की है, और ये है साथियों मैथ का पूरा सिलेबस जो आपके सामने है हिंदी और अंग्रेजी में। ये मैथ का पूरा सिलेबस है, आप यहां पर देख लीजिए, मैथमेटिकल रीजनिंग। हम यहां से ही शुरू करेंगे इसको, स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करने वाले हैं, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे, ये वादा है। आज शुरू करने से पहले आपको मैं अपने पुराने टीचरों को याद दिलाना चाहूंगा। ये एक टेबल है साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सीरीज पढ़ेंगे। कौन पढ़ेंगे? संख्या और नंबर सीरीज को आज हम पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे साथियों? संख्या तथा श्रृंखला, नंबर तथा लेटर सीरीज। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? लेटर सीरीज को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस सारणी को आपको याद करना है, आपको इनके नंबरों को याद करना है। जैसे ये उल्टे सुलटे नंबर हैं, मैंने आपसे क्या कहा? आई रिपीट, मैं दोबारा से अपने शब्दों को दोहरा रहा हूं कि मेरी क्लास में आपको ए से लेकर जेड तक ABCD आनी चाहिए, और 1 से लेकर 100 तक आपको गिनती आनी चाहिए। अगर ये दो चीज अगर आपको आती हैं तो मैथ और रीजनिंग और DI में आपका एक भी नंबर नहीं कट सकता है, मेरा वादा है। चलिए शुरुआत करते हैं वादे के साथ। ना जा मेरे बादशाह एक वादे के लिए, एक वादा तोड़े। चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सीरीज से कि उल्टा सुलटा आता है। हमारे गुरुजी थे उस समय अजरुद्दीन नाम के प्लेयर बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, तो हमको किस प्रकार से चलाया, पहले सबसे पहले नंबर सीरीज ये सीखो आप। पहले जैसे ए आता है एक नंबर पर, सब लोग याद करो ये टेबल बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लास के आरंभ में टेबल इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप ये आने वाले जो क्वेश्चन है 2021 में जो पेपर आया है, 2022 में जो पेपर आया है, उस पेपर को आप आसानी से सॉल्व कर सकें। मैं यहां पर 2021-2022 के MCQs भी करवाने वाला हूं, तो ये टेबल हमको जरूरी है।
ए से लेकर ए, जिस त्यौहार से ए आता है एक नंबर पर, बी आता है दो नंबर पर, सी आता है तीन नंबर पर, तो आपको पता है, आप लोग यहां तक तो जानते ही होंगे, पांच नंबर तक आप जानते होंगे कि ई पांच नंबर तक तो आपको याद होगा ही होगा, इतना मैं मान के चलता हूं। तो आप कर लो जी सेवन, जी से जी के साथ साथ लगा लो, जी सेवन की मीटिंग होती है, जैसे अभी जी ट्वेंटी की मीटिंग चल रही है ना इंडिया में, उसी तरीके से जी सेवन की मीटिंग भी होती है, जी समूह है देशों का, तो जी सेवन उस तरीके से याद कर लो, है ना। आई नो आई नो आई नो आई नो, अंग्रेजी बोलने का भूत सवार रहता ना, आई नो आई नो आई नो, तो यहां से आई नो को याद कर लो, आई नो। मैं आपको बहुत बार इन चीजों को रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट करवाऊंगा, आप लोगों को याद हो जाएगा, चिंता ना करें। जे दस, जे आता है दस नंबर पर, क्या आता है साथियों, जे दस, क्या आता है, जे दस, जे दस, जे दस, जे दस नंबर पर आता है। के ग्यारह, एल बारह, और इन चीजों को जरूर याद करना, एम और एन को, एम तेरह नंबर पर आता है, एन चौदह नंबर पर आता है। ओ पंद्रह, ओ ओ लाल बुरसेट, हरी बुरसेट, ओ पंद्रह, क्या आता है साथियों, ओ पंद्रह। पी सोलह, पीकर सो गया, पी सोलह मतलब पीकर लिंक बैठा हो। देखो लंबे समय तक अगर आप याद करना चाहते हो किसी भी चीज को, तो आप रोजमर्रा की जिंदगी से उस चीज को आत्मसात करने की कोशिश करो, कि रोजमर्रा की जो जिंदगी में जो चल रहा है ना, उसको आप लेकर आओ। जैसे पी सोलह, पीकर सो गया, क्या ताड़ी पीकर सो गया ना, चलो पीकर सो गया, पी सोलह। क्यों सत्रह, क्यों सत्रह खतरा, क्यों क्यों सत्रह, लिंक बनाने की, लिंक बनाने की कोशिश करो। लॉन्ग समय तक याद हम तभी रख पाएंगे जब लिंक बनाएंगे। क्यों सोलह, एस उन्नीस, टी ट्वेंटी, अब आपने टी ट्वेंटी के मैच तो देखे होंगे, टी ट्वेंटी टी ट्वेंटी टी ट्वेंटी। यू इक्कीस, यू का मतलब तुम, यू का मतलब तुम, इक्कीस का मतलब होता है बेस्ट, एक शब्द होता है ना उन्नीस और इक्कीस, हम नहीं कहते या तो यार उन्नीस है या इक्कीस है, यानी इक्कीस का मतलब होता है बेस्ट, अरे तुम बेस्ट हो, चलो तुम बेस्ट हो, यू इक्कीस, यू इक्कीस, तुम बेस्ट हो। लिंक बनाने की कोशिश करो, मेरा कहने का मतलब यह है, यू इक्कीस, लिंक बनाने की कोशिश करो। अब ऐसा तो वी बाईस, डब्ल्यू तेबीस, एक्स चौबीस, वाई पच्चीस और जेड छब्बीस, ये हमारी एक क्या है, लिंक बनाने की, लिंक बनाने की आप यहां पर इस तरीके से कोशिश कीजिए। अब ये आ गया साथियों उल्टा सुल्टा शब्द, उल्टा सुल्टा शब्द, उल्टा सुल्टा, हाँ अब ये आ गया उल्टा सुल्टा। अब यहां पर क्या है कि हमको विपरीत याद करना है, विपरीत याद करना, चिंता ना करें, मैं क्लास में इतनी बार रिवाइज करवाऊंगा कि नंबर सीरीज आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। ए जेड, अजरुद्दीन का नाम याद रखो, ए जेड, हमारे जब मुझे जिस टीचर ने पढ़ाया था उस समय ट्रिक बताई थी, अजहर, इसको आप अजहर के नाम से याद करो, लिख लो, लिख लो अजहर। वो अजरुद्दीन भारतीय टीम के कप्तान थे, बहुत बड़े कप्तान हुए थे, बाद में फिक्सिंग विक्सिंग का आरोप लगाकर लग गया था उसके ऊपर। तो ए जेड, बी वाई, बाय बाय, बाय बाय, लिखो कॉपी में बाय बाय, ऐसे लिखो याद रह जाएगा, बाय बाय, बाय बाय। बी का उल्टा वाई, बी का उल्टा वाई, ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, ए का उल्टा अजर, ए जेड अजर, बाय बाय बी वाई, बाय बाय बी वाई। सी एक्स, सी और एक्स, सिक्सर, ए सिक्सर, याद करो, लिंक जम, लिंक बनाओ, लिंक बनाओ, लिंक बनाओ, सिक्सर। सी एक्स का मतलब है साथियों, आपके यहां पर लिंक बन गया, क्या हो गया, सिक्सर हो गया, सिक्सर लिखो आप इसके सामने, लिखो सिक्सर, कॉपी निकालो, सिक्सर लिखो, सिक्सर लिखो, हो गया सिक्सर। डी डब्ल्यू, दूध वाला, लिंक बनेगा ऐसे, दूध वाला याद रखो, ऑटोमेटिक पता लग जाएगा, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ट्रिक है, मेरी क्लास सारी ट्रिक पर टिकी हुई है, हर चीज आपको ट्रिक मिलेगी। मुझे अनअकैडमी पर लल्लन टॉप गुरुजी के नाम से लोग जानते हैं, आपको पता नहीं है कि मैं अनअकैडमी पर पिछले तीन साल चार साल से वहां पर पढ़ा रहा हूं, तो वहां पर मेरी ट्रिक्स को लोगों ने लल्लन टॉप नाम दिया है, मतलब लल्लन टॉप ट्रिक है ये सारी, तो मुझसे लल्लन टॉप गुरुजी कहते हैं वहां पर। तो डी डब्ल्यू, दूध वाला, क्या होगा साथियों, दूध वाला, दूध वाला। अब एवरी, ईवी, एवरी, एवरीडे, ईवी, 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 एवरी, ई एवरीडे, ईवी का मतलब उल्टा एवरीडे, ईवी मतलब एवरीडे। इसके बाद में एफ और यू, फ्यू, फ्यूज, फ्यूज, लिंक लगाओ, यहां एवरीडे लिख लो, यहां पर एवरीडे लिख लो, और यहां पर फ्यूज लिख दो, फ्यूज लिख दो, हिंदी में लिख दो, याद हो जाएगा, फ्यूज लिख दो यहां पर, फ्यूज,
यहां पर फ्यूज लिख दिया, कॉपी बना लो मैथ की एक अलग से। इसके बाद में जीटी ग्रैंड ट्रैक रॉड शेरशाह सूरी ने बनाया था, आपको पता है इसको जीटी कह दो आप, जीटी जीटी रॉड, जीटी रॉड ग्रैंड ट्रैक रॉड, जीटी रॉड शेरशाह सूरी ने बनाया था भारत में। जीटी, जी का मतलब टी, जी का उल्टा टी, टी का उल्टा जी। ओके आ जाओ, एच और एस, हाय सानिया, हाय सानिया, हेलो हेलो सानिया, हाय सानिया, सानिया के नाम से याद कर लो, हाय सानिया, अच्छा हाय सानिया कर दो, हाय सानिया, ठीक है। आई आर इंडियन रिलेशन या इंडियन रेलवे, कुछ भी तरीके से याद कर लो, इंडियन रिलेशन या फिर इंडियन रेलवे, किस भी तरीके से याद कर लो, इंडियन रेलवे या फिर आई आर मतलब इंडियन रेलवे या फिर इंडियन रिलेशन, जिस भी तरीके से याद करना चाहो। जे क्यू, एक हीरोइन है श्रीलंका की जैकलिन, उसके नाम से याद कर लो, जे का उल्टा क्यू जैकलिन, जैकलिन से याद करो, जे का उल्टा क्यू जैकलिन, जे का उल्टा क्यू जैकलिन। एक है कपिल, केपी, कपिल से नाम याद रख लो, और एलओ मेरे नाम से याद रख लो, एलओ के एस एल लोकेश, या फिर लव कर लो, एलओ वी लव, और एम एन मन, एक मूवी आई थी साथियों मन, आमिर खान और मनीषा कोइराला की, बहुत सुंदर गाना है एक, इसमें गाने का नाम भूल रहा हूं पर बहुत सुंदर है, आप लिखे उसके बोल लिखकर बताओ तो देखें कौन सा गाना था। तो एक बार सरसरी नजर दौड़ा लीजिए इस पर, ये हमको सीखनी है ये सारी, उम्मीद है ये आप लोगों ने ध्यान से पढ़ लिया होगा। अब हम नंबर सीरीज के क्वेश्चन पर चलते हैं, मैं सबसे पहले आपको 2021 के क्वेश्चन करवाऊंगा। देखो आज तक की जितनी भी एग्जाम लगी है ना, 2022 की 2023 की, 2021 में जो पेपर आया था ना उससे कठिन पेपर अभी तक नहीं आया है, 2021 के पेपर ने सबकी धुआं निकाल दी थी। तो हम सबसे पहले 2021 के क्वेश्चनों को लेने वाले हैं और भिड़ने वाले हैं कि कितने आसान सवाल थे 2021 में जो नंबर सीरीज में हमसे पूछे गए थे। आइए सबसे पहले साथियों क्वेश्चन नंबर दो करो, इस वाले को करो आप, हमको दे रखा है 1, 3, 6, 10 और अगली संख्या निकालनी है। देखो नंबर सीरीज में क्या होता है, हमेशा नंबर सीरीज का मतलब होता है एक के बाद एक, मेरी बात ध्यान से सुनो, नंबर सीरीज का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, लेकिन रिश्ता वही रहता है जो पहले और दूसरे में है, यानी एक रिलेशन के आधार पर आगे बढ़ना होता है। जैसे उदाहरण के रूप में समझते हैं फिर क्वेश्चन पर आते हैं, इधर देखिए उदाहरण में मतलब क्या हो गया, जैसे दो आ गया, उसके बाद में चार आ गया, उसके बाद में छह आ गया, उसके बाद में आठ आ गया, उसके बाद में दस आ गया, उसके बाद में बारह आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर प्लस दो हो गया, यानी प्लस दो प्लस दो प्लस दो प्लस दो प्लस दो, यानी हर किसी में प्लस 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 दो 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 होता चला गया, यानी कि ये एक श्रृंखला है, ये क्या है, एक प्रकार की एक रचना है, श्रृंखला है। तो चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर आप मुझे दूसरे का आंसर करके बतलाइए, फटाफट आंसर कीजिए गाइस, बहुत बड़ी संख्या में लोग देख रहे हैं, रोज रात 9 बजे अब से हम इस क्लास को लेकर आने वाले हैं, बस आपका सहयोग और प्रेम की आवश्यकता है, मैथ मैं आपको सिखा के रहूंगा, डीआई मैं आपको सिखा के रहूंगा। चलिए गाइस देखो आप लोगों ने आंसर कर लिया, 15 आंसर आए इसके, क्या है साथियों 15 आंसर है, लेकिन 15 आंसर आया कैसे है इस चीज को समझो, वो कहते हैं ना करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुज्ञान और रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। मैथ एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा आप लोगों से अभ्यास मांगती है, कि जितना आप लोग अभ्यास करोगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। तो यहां पर क्या है साथियों, एक और तीन इसके बीच में प्लस दो का अंतर है भाई, एक से और तीन के बीच में प्लस दो का अंतर है, जाहिर सी बात है, कितने का अंतर है साथियों, एक और उसके बीच में कितना है, प्लस दो का अंतर है। कितने का है, प्लस दो का अंतर है, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है साथियों, यहां पर प्लस दो का अंतर, इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस दो का अंतर। अब तीन और छह के बीच में प्लस तीन का अंतर है भाई, एक और तीन के बीच में दो ही तो हैं, और तीन से छह के बीच में भाई, तीन से छह के बीच में तीन का अंतर है, और छह से चार के बीच में चार का अंतर है, तो अगला अंतर क्या होगा, प्लस पांच का होगा। देखो एक सीरीज बन गई, एक क्रम बन गया, देखो 2, 3, 4, 5, तो अगला क्या होगा, 10 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 15 आंसर आ जाएगा। यह क्वेश्चन 2021 की एग्जाम में आया था,
और 2021 की एग्जाम ऐसी एग्जाम थी जिन्होंने धमाका मचा दिया था। बच्चों में त्राहीमान 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 की स्थिति हो गई थी कि पता नहीं क्या पेपर पूछ लिया गया है, जबकि इतना सरल पेपर उस समय आया था। ओके, आया मजा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यह क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 3। यह क्वेश्चन हमसे 2020 में पूछा गया है, करिए आप ट्राई करो 5 मिनट, मैं आपको सिखाऊंगा फिर ये कैसे करना है इस क्वेश्चन को। क्लास अटक रही है क्या यार? है भाई, मेरे मोबाइल में क्लास अटक रही है। अगर ऐसा है तो मैं दूसरे मोबाइल में ट्राई करता हूं। सही चल रही है, मेरे मोबाइल में अटक रही है क्लास। सही चल रही है? यस सर, अटक रही है। नो सर, वो आपके नेटवर्क की वजह से अटक रही होगी। ठीक है, निम्नलिखित संख्या क्रम में गलत संख्या का आपको यहां पर पता लगाना है। नहीं अटक रही सर, इसका नेट कम होगा। अरे फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना यार। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए। देखो आपका इंटरनेट की वजह से कोई दिक्कत होगी, क्लास हमारी यहां पर बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। इस वाले क्वेश्चन कीजिए, थोड़ा सरल क्वेश्चन है, फिर हम अगला क्वेश्चन करवाएंगे आप लोगों से। चलिए पिछला क्वेश्चन पर आएंगे, पहले इस वाले क्वेश्चन करो। सारे क्वेश्चन यही है, चिंता ना करें आप लोग, पर एक क्रम से चलेंगे हम लोग ताकि एक लेवल मेंटेन कर सकें। जीरो से हीरो तक का सफर तय करना है हमको। देखो यहां पर क्या है, हमको 3 संख्या निकालनी है, 1, 2, 3। हमको 3 संख्याओं का पता लगाना है। जब भी हमारे सामने इस प्रकार की इक्वेशन आ जाए, तो मैं हमेशा एक ट्रिक का उपयोग करता हूं। वो ट्रिक क्या है कि आप इसमें से अंतिम शब्द को पकड़ लो, आप अंतिम शब्द का रिलेशन निकाल लो। आपको तीनों शब्दों का रिलेशन निकालने की आवश्यकता नहीं है, किसी एक शब्द को पकड़कर आप उसका रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं, उसका रिलेशन निकाल सकते हैं। जैसे बी और एफ, बी कितने नंबर पर आता है? 2 नंबर पर। एफ कितने नंबर पर आता है? 6 नंबर पर। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले सारणी समझाई थी, बी आता है 2 नंबर पर, एफ आता है 6 नंबर पर। इसका मतलब क्या हुआ, बी और एफ के बीच में कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। एम आई राइट? बी और एफ के बीच में कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। अब आ जाते हैं एफ जो है, बी और एफ की रिलेशन है एफ और एल। एल होता है 12 नंबर पर और एफ होता है 6 नंबर पर। एल आता है 12 नंबर पर, एफ है 6 नंबर पर। तो दोनों के बीच का अंतर क्या हो गया? दोनों के बीच का अंतर हो गया 6 का। कितने का अंतर हो गया साथियों दोनों के बीच का अंतर? +6 का। इनके बीच में अंतर हो गया, कितने का अंतर हो गया? +6 का। शुरुआत में हुआ था +4 का अंतर, बी और एफ के बीच में +4 का अंतर हुआ था, अब हो गया 6 का अंतर। अब इसका मतलब अगला अंतर क्या होगा? +8 का अंतर हो गया। देखो सीरीज बन रही है 4, 6, 8, यानी हर एक सीरीज में 2, 2 प्लस होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? 2, 2 प्लस होते जा रहे हैं। तो एल आता है साथियों एल बराबर 12, 12 प्लस 8 बराबर 20, और 20 नंबर पर कौन सा आता है? टी आता है। क्या आता है? 20 नंबर पर टी आता है। तो हमको अंतिम शब्द में कहीं पर टी ढूंढना है। यहां पर टी है क्या? नहीं। यहां पर टी है क्या? नहीं। यहां पर भी नहीं। टी साथियों ये रहा, इसका मतलब बी इसका करेक्ट आंसर है। हमको और चीज मिलाने की जरूरत नहीं है, लल्लन टॉप ट्रिक लगानी है और एक अंक को पकड़ना है, पिछली वाली संख्या को, और आंसर हमारे पास है। Am I right? तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है जो अभी हमने किया है साथियों। सर रिपीट कर दीजिए एक बार, नीतू रिपीट कर दें एक बार नीतू इसको। कर देते हैं
देखो नीतू बेटा ध्यान से सुनो, आप लोग जितने भी लोग हैं ना एक बार क्या 50 बार इस सवाल को मुझसे पूछ सकते हो। हमने थोड़ी देर पहले क्रम समझाया था आपको, जैसे ए एक नंबर पर आता है, बी दो नंबर पर आता है, सी तीन नंबर पर आता है, डी चार नंबर पर आता है, ई पांच नंबर पर आता है, एफ छह नंबर पर आता है, आई नौ नंबर पर आता है, जे सात नंबर पर आता है। ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्रम बतलाए थे, उन्हीं क्रम का रिलेशन हमको यहां निकालना है। जैसे मैंने कहा कि हम अंतिम शब्द को पकड़ लो, क्योंकि तीन तीन का जोड़ा है, एक जोड़ा दो जोड़ा तीन जोड़ा, यहां पर भी तीन शब्दों का जोड़ा है, तीन शब्दों का जोड़ा है, यानी तीन शब्द हमको यहां पर निकालने हैं। तो हमने क्या किया कि तीनों शब्दों को मिलान ना करते हुए ट्रिक लगाई और अंतिम शब्द का रिलेशन निकालने की कोशिश करी। अब ये बी है साथियों दो नंबर पर, बी कितने नंबर पर आता है, दो नंबर पर आता है, एफ कितने नंबर पर आता है, छह नंबर पर आता है, तो छह और चार के बीच में चार का अंतर हो गया ना, प्लस चार का अंतर है। देखो दो के और छह के बीच में कितने का अंतर है, प्लस चार का अंतर है, ठीक है। अब अगला संख्या हमारी एल है, अब एल कितने नंबर पर आता है, बारह नंबर पर आता है, थोड़ी देर पहले ही हमने समझा है। तो छह और बारह के बीच में कितने का अंतर है, छह और बारह के बीच में प्लस छह का अंतर है, कितने का अंतर है, प्लस छह का अंतर है। तो अगली संख्या क्या है, एल से आगे, एल से आगे क्या जुड़ेगा, चार छह, अगली संख्या जो भी जुड़ेगी एल से उसमें आठ जुड़ेंगे, प्लस का आठ होने वाला है, क्योंकि ये जो चेन बन रही है ना ये दो की बन रही है, चार छह आठ, ऐसे चेन बन रही है ना ये। तो आगे क्या हो गया, बारह, बारह में अगर आठ जोड़ देंगे तो बीस आ गया, और बीस जिस भी शब्द पर आता है वो साथ है टी, यानी बीस शब्द का अर्थ होता है टी। तो यहां पर जिस भी शब्द में टी है वही हमारा आंसर है। किसी को समस्या हो तो बतलाओ गाइस, एवरीबॉडी किसी भी को समस्या हो तो मुझे समझाइए बतलाइए। सर ऑप्शन टू में अगर दो में अगर टी मिल गया तो क्या करेंगे, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। अगर दो में टी मिल गया तो हम उसका भी रिलेशन निकालेंगे, पर ऐसा होता नहीं है, हम उसका भी रिलेशन निकालेंगे बट ऐसा होता नहीं है, हम उसका भी रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पर हम लोग जंप करते हैं, और ये साथियों क्वेश्चन नंबर सिक्स। अब यहां पर क्या है कि जोड़े दे रखे, एक जोड़ा दो जोड़ा और तीसरा जोड़े की तीन अंक निकालने हैं हमको, और चौथा जोड़ा लगाओ, एक चेन बनाने की कोशिश करो, आप लोग बनाइए साथियों, मजा आ रहा है ना पढ़ने में, लाइक कर दो वीडियो को एक बार यार, अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। आप लोगों ने सी आंसर दिया है, यहां पर क्या दिया है साथियों, आप लोगों ने, अधिकतर लोगों ने, मैं कमेंट्स देख रहा हूं इस मोबाइल में, ये रहा मेरे पास मोबाइल, इस मोबाइल में मैं कमेंट्स देख रहा हूं, ये रहा मोबाइल मेरे पास में, इसमें कमेंट देख रहा हूं, आप लोगों ने, अधिकतर लोगों ने वी आई जे आंसर दिया है। अब वी आई जे आंसर आया कैसे, सवाल तो ये है सबसे बड़ा, चलिए देखो अब इसको हम कैसे करेंगे। देखो एक जोड़ा हमारा ये रहा, एक जोड़ा हमारा ये रहा, एक जोड़ा हमारा ये रहा, एक जोड़ा हमारा ये रहा। पहले क्या होता था, हमसे अंतिम जोड़ा पूछा जाता था, लेकिन इस बार हमसे बीच वाला जोड़ा पूछा गया है। तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बीच वाला जोड़ा देखकर घबरा गए होंगे कि यार अब ये तो हमसे हो ही नहीं सकता। ऐसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लिंक हमको वही बिठाना है, वही लिंक बिठाना है। आइए समझ लेते हैं कैसे लिंक बिठाएंगे। देखो एफ और एच, F और H, अब F कितने नंबर पर आता है मुझे ये बताओ, छह नंबर पर आता है, H कितने नंबर पर आता है, आठ नंबर पर आता है, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर हो गया, प्लस दो का अंतर हो गया। इतना तो ये चीज समझ गए आप लोग, मैं ये कैसे निकाल रहा हूं, ये चीज समझ गए क्या, अरे भाई अरे भाई अरे भाई अरे भाई अरे भाई अरे भाई, ये वाली इक्वेशन मैंने आपको सबसे पहले समझाई थी, ये क्लास के आरंभ में मैंने आपको ये चार्ट समझाया था, इसमें समझाया था मैंने कि जो हमारा अल्फाबेट है ना उसका नंबर क्या है। जैसे एफ आता है छह नंबर पर, एच आता है आठ नंबर पर, जे आता है दस नंबर पर, ये समझाया था ना क्लास के आरंभ में, ये वहां से आ रहे हैं।
इस क्लास को रिपीट करके देख लेना बेटा। ओके, तो हमने क्या लिए, एफ आ गया हमारा 6 नंबर पर, एच आ गया हमारा 8 नंबर पर, यानी दोनों के बीच में प्लस 2 का अंतर है। इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस 2 का अंतर। ओके, अब यहां पर अगर हमारा प्लस 2 का अंतर है तो आइए साथियों, एच कितने नंबर पर है, 8 नंबर पर है ना हमारा। अगला शब्द क्या होगा, अब प्लस दो कर लीजिए, यहां पर प्लस दो, हम प्लस दो करेंगे। इधर देखिए, दोबारा देख लीजिए, एफ आ गया हमारा और एच आ गया हमारा। एफ आता है 6 नंबर पर, एच आता है 8 नंबर पर, दोनों के बीच में कितने है? प्लस दो का अंतर है। अब एच के बाद में अगला शब्द जो आना है उसमें भी प्लस दो का अंतर ही आएगा। तो मान लो कि हम एच में 8 में 2 जोड़ दें तो कितना आएगा, 10 नंबर आएगा। तो 10 नंबर पर कौन सा शब्द है, जे नंबर आता है, जो 10 नंबर पर आता है, सी आंसर आ जाएगा। किसी को कोई थोड़ा सा भी अगर डाउट हो कहीं पर भी तो वो मुझसे अभी पूछ सकता है। अगर इतना सा भी अगर किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं आप लोगों के लिए बैठा हूं यहां पर। डेली क्लास हुआ करेगी रात्रि 9 बजे अब से, डेली क्लास हुआ करेगी गाइस रात्रि 9 बजे। हां, बाद में हमेशा ये चैनल पर ये वीडियो रहेगा, पर आप लाइव ही देखने की कोशिश करो। और हां, आज तो मैं आपको छोड़ रहा हूं, कोई बात नहीं है, क्लास बंद नहीं कर रहा हूं, मतलब छोड़ रहा हूं, पीटूंगा नहीं। कल से एक पेन और अलग से एक रजिस्टर कॉपी बन जानी चाहिए जिसके ऊपर मैथ रीजनिंग NTA UGC नेट की हेडिंग लिखी होनी चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि मैं आपको ऑल यूनिट कंप्लीट करवाने वाला हूं पेपर वन की। तो ऑल यूनिट कंप्लीट कराऊंगा तो मैं आपको नोट्स बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि दुनिया में नोट्स एक इतनी शानदार चीज है ना, अगर आपने अब बना लिए ना तो एग्जाम टाइम में मोती चुनने वाला काम होता है यार, कि मोती चुन रखे हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एग्जाम के टाइम पर वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज तो कोई दिक्कत नहीं है, कल से अगर मेरी क्लास में आए जो होगी रात्रि 9 बजे से, और किसी के पास एक नोटबुक और पेन नहीं है तो मतलब गर्दा मच जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि कोई कोरे पन्ने, ऐसा नहीं कि कोरे पन्ने लेकर आगे, बकायदा एक रजिस्टर चाहिए, एक डायरी चाहिए, और सुंदर डायरी चाहिए, अच्छी डायरी चाहिए, ताकि आप उसको गिराओ ना। जितनी सुंदर जितनी अच्छी डायरी रहेगी, मतलब बड़ा, इससे बड़ा रजिस्टर लेना, जितना सुंदर जितना अच्छा रहेगा उसमें हम उतने ही अच्छे सुंदर सुंदर लिखते हैं और उसको उतने ही दिन तक सहेज कर रखते हैं। इसलिए रफ के पन्ने नहीं होने चाहिए, अच्छा रजिस्टर होना चाहिए, अच्छी डायरी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए हो, बहुत बढ़िया। ये क्लास रोज 9 बजे होती है, क्लास टाइम रोज 9 बजे। मैं क्लास टाइम लिख देता हूं, उस क्लास इसमें लिख देता हूं, थोड़ा सा वो दीजिए मुझे, मैं क्लास का टाइम लिख देता हूं, चलो, क्योंकि बच्चे बार बार इसमें टैक्स का कहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा यार, इसमें टैक्स का कहीं ऑप्शन नहीं आ रहा, कल की क्लास में लिख देंगे, चलो जाने। ये क्लास रोज 9 बजे हुआ करेगी। अगले क्वेश्चन पर हम लोग जंप कर जाते हैं। ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये वाला करो। वर्ण श्रृंखला में क्या है, dy, jx, ow, sv और vu के बाद में अगला पद कौन सा होगा, यहां पर, यहां पर जो आएगा वो अगला पद बताओ, लगाओ, चलो दिमाग लगाओ, बताओ, करो। अरे भाई पहले दिन, आज पहले ही दिन है क्लास का, आज पहला ही दिन है क्लास का। मैंने एक्चुअली हुआ क्या था, मैंने जब से ये यूट्यूब चैनल बनाया तब से मैं हमेशा गाइडेंस वाली वीडियोज अपलोड किया करता था इस चैनल पर, मैंने कभी भी ऐसे वीडियोज नहीं डाली, बट मैंने आज सोचा कि यार क्यों ना मैं आप लोगों के लिए इस तरह के क्लासेज भी यहां पर लेकर आया करूं। डेली 9 बजे, रात्रि 9 बजे, ऐसा समय है कि सब लोग खाना वाना खा पी के तैयार होकर क्लास को देखा करो। अभी मैं पेपर वन की लूंगा, बाद में और डिसाइड करके बताऊंगा कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट की और क्लास ले सकता हूं, अभी मैं केवल पेपर वन की लूंगा, बाद में और देखेंगे कौन कौन सी क्लास हम ले सकते हैं।
बी या डी होगा, ऐसे नहीं भाई, कंफर्म ये बी और डी होगा, क्या मतलब होता है? आपके सामने क्वेश्चन है, मिलाइए ना। अरे भाई साहब ऐसे मिलाना, इधर देखो, इस डी को इस जे से मिलाओ और इस वाई को इस एक्स से मिलाओ, इस तरीके से लिंक बनाओ, फिर इस जे को इस क्यू से और फिर इस एक्स को इस डब्ल्यू से, ऐसे मिलाओ, एक शब्द छोड़कर अगले शब्द से उसका रिश्ता ढूंढो, एक शब्द छोड़ के अगले शब्द से उसका रिश्ता ढूंढो भाई, ऐसे अंदाजों से काम नहीं चलेगा। कुछ लोग बी आंसर दे रहे हैं, एक्स टी इसका सही आंसर होगा, और ये आपका बिल्कुल सही आंसर है कि एक्स टी ही इसका साथियों सही आंसर है। अब आइए समझ लेते हैं एक्स टी किस प्रकार से सही आंसर होने वाला है। देखो आइए, आपको साथियों यहां पर डी दिख रहा होगा और यहां पर एक्स दिख रहा होगा। डी कितने नंबर पर आता है, कितने नंबर पर आता है डी? चार नंबर पर आता है, अरे माफ करना, जे, डी दिख रहा होगा और जे दिख रहा होगा। डी कितने नंबर पर आता है? चार नंबर पर, ए बी सी डी चार नंबर पर। जे कितने नंबर पर आता है? दस नंबर पर, जे दस, जे दस, जे दस, ट्रिक बताई थी ना, जे दस, जे आता है दस नंबर पर। तो अगर हमने चार में से दस घटा दिए, दस में से चार घटा दिए, तो इसके बीच में क्या है? प्लस छह का अंतर है। कितना अंतर है? प्लस छह का अंतर है भाई। डी आता है चार नंबर पर, जे आता है दस नंबर पर, तो दोनों के बीच में अंतर कितना हो गया? छह का अंतर हो गया ना। अरे यार ये देखो, डी आता है चार नंबर पर, जे आता है दस नंबर पर, तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर हो गया? प्लस चार, प्लस कितना हो गया? छह का अंतर हो गया। इनके बीच में कितने का अंतर हो गया? प्लस छह का अंतर हो गया। ठीक है, अब आ जाओ यहां पर जे है और अगला शब्द है ओ। ओ कितने नंबर पर आता है? पंद्रह नंबर पर। ओ पंद्रह, ओ पंद्रह, मैंने आपको कितने बार बोला था, ओ कितने नंबर पर आता है? पंद्रह नंबर पर आता है। जे कितने नंबर पर आता है? दस नंबर पर आता है। अर्थात इन दोनों के बीच में पांच का अंतर है, प्लस पांच का अंतर है। इन दोनों शब्दों के बीच में प्लस पांच का अंतर है। अब हमको क्या पता लग रहा है कि एक नंबर घटता जा रहा है। क्या जा रहा है? एक नंबर घटता हुआ जा रहा है। अब देखो, ओ आता है 15 नंबर पर और एस आता है 19 नंबर पर, तो कितना हो गया? प्लस चार का अंतर हो गया। अब एस हमारा 19 नंबर पर आता है, तो वी कितने नंबर पर आता है? वी आता है 21 नंबर पर, तो मतलब प्लस तीन का अंतर हो गया। इसी तरीके से यू में वी में अगर दो जोड़ देंगे, जैसे वी कितने नंबर पर आता है? 21 नंबर पर, और यहां पर अब प्लस दो का अंतर होना चाहिए। 21 प्लस दो बराबर कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। तो 24 में क्या क्या आएगा साथियों? 24 पर आएगा x। तो एक शब्द तो हो गया हमारा x हो गया, एक शब्द क्या हो गया हमारा? x हो गया। अब हम अगला रिलेशन ढूंढेंगे। एक शब्द हमने x निकाल दिया, अब x निकालने के बाद क्या हुआ कि इस संख्या में x है, यहां पर x नहीं है काट दिया, और यहां पर भी x नहीं है काट दिया। अब ये दो ऑप्शन तो हमारे वैसे ही कट गए। अब हम निचली वाली संख्या का भी मिलान करने वाले हैं। आइए निचली वाली संख्या को मिलान करेंगे। ये है y और ये है j। कितना है? ये है y और ये है x, ये है y और ये है x, एक्स वाई माइनस एक का अंतर है। कितना है? माइनस एक का अंतर। अब मुझे आप कमेंट्स करके बताओ कि y कितने नंबर पर आता है और x कितने नंबर पर आता है। मैंने थोड़ी देर पहले ही किया था कि x आता है 24 नंबर पर और y आता है कितने नंबर पर, कितने नंबर पर? अब नहीं बताऊंगा, चलो बताओ कमेंट्स करके बताओ। x 24 नंबर पर आता है, बोलो। y आता है बेटा 25 नंबर पर, y आता है 25 नंबर पर, x आता है हमारा 24 नंबर पर, यानी कि माइनस एक का अंतर हो गया दोनों के बीच में। अब दोनों के बीच में कितना हो गया? माइनस एक का अंतर हो गया। अब ये बताओ, ये x और ये w, x आता है 24 नंबर पर, w कितना नंबर पर आता है? 23 नंबर पर, तो माइनस एक का अंतर हो गया यहां। अब ये w और v, इसके बीच में भी माइनस एक का अंतर है, और v और u के बीच में भी माइनस एक का अंतर है। इसी कड़ी में u में से भी हम एक नंबर घटा देंगे। अब मैंने आपसे क्या कहा, u 21, ट्रिक बताई थी ना, u यानी तुम, u यानी आप लोग, और 21 मतलब बेस्ट, आप लोग बेस्ट हो।
U21 की ट्रिक बताई थी, U21 तो 21 माइनस 1 करेंगे तो बराबर 20 आया, तो T20 क्या शब्द है, T20 तो हमारा सही आंसर हो जाएगा X और T। अब बताओ मजा आ रहा कि नहीं आ रहा, अब बताओ साथियों मजा आ रहा कि नहीं आ रहा, इतनी बड़ी संख्या में लोग देख रहे हैं, बताओ मजा आ रहा कि नहीं आ रहा गाइस। रोज रात्रि 9 बजे आना है आपको, मैथ रीजनिंग DI सबसे पहले इनको कंप्लीट करवाऊंगा, बाद में रिसर्च कम्युनिकेशन ICT हर चीज को मैं कंप्लीट करवाऊंगा। मजा आ रहा है, पक्का पक्का मजा आ रहा है ना यार। मैंने इस एग्जाम को कई कई बार पास कर रखा है, जब मैं मुझे याद है यार एक्चुअली क्या था कि अभी हम थोड़ी देर पहले ही है ना, अभी मैं दिल्ली द्वारका में रहता हूं और दिल्ली द्वारका में पता नहीं इतने सारे मच्छर बहुत ज्यादा हो जाते हैं गर्मियों में, तो धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं। मैं सोच रहा था कि जब मैं यूनिवर्सिटी कैंपस में रहा करता था तो एक बार हम क्या है कि बीच सड़क पर जो गमछा नहीं होता, गमछा रुमाल टाइप नहीं होता, जैसे गमछा अरे इस तरीके का वाइट कलर का, मैं इसको दिखाता हूँ गमछा कैसा रहता है, उसको रुमाल गमछा बोलते हैं, ऐसे ऐसा एक रुमाल गमछा इस तरीके का, ये दिख रहा है ऐसा ऐसा रुमाल गमछा ऐसे, तो हम लोग ऐसे ऐसे डालकर रहा करते थे इस तरीके से। अब यूनिवर्सिटी में ऐसे ऐसे रहते थे हम लोग, ऐसे ऐसे गमछा वमछा डाल लिया, मतलब थोड़ा एक अलग रुआब भी तो कोई चीज़ होती है ना, तो हम लोग यूनिवर्सिटी में ऐसे गमछा वमछा डालकर एक दिन में सड़क पर सो गया। अब वहां पर था आप हॉस्टल में सो, सड़क पर सो जाओ, जिस यूनिवर्सिटी से मैंने PhD किया था वहां पर थोड़ा माहौल ऐसा ही था कि तुम कहीं भी सो सकते हो। एक बार सड़क पर सो गया, मतलब ऐसे मतलब सड़क, मतलब कैंपस में कहीं भी सो जाते थे यार, मतलब ऐसा कोई होने था सड़क, मतलब वो बेंच लग रही थी, गर्मियों का दिन था, पता नहीं हम कहां से आए, थक रहे थे यार, वहीं लौट के वहीं नींद आ गई भाई। जब नींद खुली थी ना, मच्छरों ने इतना भयंकर काट रखा था, इतना भयंकर रोना आ रहा था कि भाई भगवान बचा ले, और मतलब कैसे भागे हैं कि वहां से हम, ये मैं ही जानता हूं। मतलब ऐसा लगता है कि मच्छर इतना सा प्राणी जो इतने बड़े मेरे जैसे मतलब 6 फुट के आदमी को मतलब उठा ले जाएंगे। तो मुझे आज हम यही बात कर रहे थे घर पे बैठे, मैंने कि यार ये मच्छरों का तो गर्मियों में तगड़ा काम हो जाता है, तो बड़ा हालत खराब होती है। आप लोगों के साथ भी ऐसा हो गया क्या? हाँ यार, हाँ सुरभि आप सही कह रही हो, आप दिल्ली में हैबिट हो जाएगी मच्छरों की, बुरी हालत है दिल्ली में मच्छरों, क्या करें। बुरी हालत है। ओके गाइस, बड़ी संख्या में लोग देख रहे हैं, डेली 9 बजे आया करो। अगले क्वेश्चन पर हम लोग जंप करते हैं, श्रृंखला पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को। चलिए, ये क्वेश्चन हमारा 2018 में आया है, मैं आपको बतला दूं कि मैं इस क्लास में 2022, 2021, 2020 और 2019-18 के क्वेश्चंस करवाऊंगा 4-5 साल के। आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, एक एक चीज आपको बेसिक से समझाई जाएगी, एक एक चीज। आज ही मैं आपको नंबर सीरीज खत्म कर दूंगा, कल हम दूसरी प्रश्नावली पढ़ेंगे। चलिए, एक जोड़ा हमारा ये रहा, एक जोड़ा ये रहा, एक जोड़ा ये रहा, एक जोड़ा ये रहा, एक जोड़ा ये रहा, और अगला जोड़ा है जिसमें 3 शब्द पूछे गए हैं, बस उनका लिंक जमाना है। इसका संबंध इससे निकालो, इसका संबंध इससे निकालो, और इसका संबंध इससे निकालो, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, लल्लन टॉप ट्रिक लगाओ और एक शब्द को पकड़ लो। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा, तुम एक शब्द को पकड़ो, डी का संबंध के से, के का संबंध एस से, एस का संबंध बी से, बी का संबंध एल से, ये निकालो। अगर ये चेन अगर आपने निकाल ली तो आप उत्तर तक पहुंच जाओगे। हमेशा जब भी मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं आपको अंतिम अंक ही पकड़ना है, अंतिम अंक का रिलेशन बनाकर आप इस क्वेश्चन को कर जाओगे। चलिए गाइस करते जाइए। मैं यार इस क्लास के लिए बहुत एक्साइटेड था। एक्चुअली ये हुआ था कि जब मैं पहले इस क्वेश्चन को, एक किस्सा सुनाता हूं आप लोगों को, बड़ा मजेदार। एक बार इस वाले क्वेश्चन कर लो आप लोग,
चलिए आंसर कीजिए, चलिए आंसर कीजिए। स्ट्रीम ऑफलाइन क्या दिक्कत है, कोई स्ट्रीम में कोई दिक्कत है क्या? सर क्लास रुक गया, नेटवर्क की सी आई थिंक चल गया। एक्चुअली क्या है कि मैंने इसकी लेटेंसी है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ा रखी है। एक फीचर होता है OBS के अंदर कि आप चाहो तो ऐसा भी, इसमें क्या होता है, एक फीचर होता है कि अगर मैं चाहूँ ना तो जैसे मैंने अभी बोला हेलो, अब ये हेलो आपके पास 5-10 सेकंड बाद में जाएगा, पर मैंने वो हटा दिया है। मैंने ये सोचा कि मैं जैसे ही हेलो करूं आपके पास भी हेलो जाना चाहिए। इसमें ना बहुत तगड़ी इंटरनेट लगती है, तो कई बार अगर इंटरनेट ऊपर नीचे हो जाती है ना तो ऐसी समस्या आती है। बट ये चल रहा है ना, चल तो रहा है ना, क्या दिक्कत है, चल तो रहा है ना इस समय आप लोगों के पास में। अब इस क्वेश्चन को करिए, पहले किस्सा सुना लेता हूं। हमारे गुरु जी थे बद्री मास्टर जी, हमारे गांव के थे, बड़े रसीले आदमी है, अब तो प्रिंसिपल से रिटायर्ड हो गए, बड़े रसीले आदमी है, मतलब बहुत किस्से विस्से सुनाया करते थे वो एकदम। तो वो क्या करते थे कि हमेशा, वो अंग्रेजी के टीचर थे, तो उन्होंने कोई सवाल दे दिया तो हम लोग ना बैक बेंचर पीछे बैठे रहते दीवार पर, हम लोग ऐसे दीवार पर पीठ लगाकर बैठते थे स्कूल में, दीवार पर पीठ लगाकर बैठने वाले स्टूडेंट थे। अब होता क्या कि वो टीचर की खासियत ये थी कि वो क्वेश्चन दे देता तुम कहीं से भी टीप लो, जैसे कोई वो नहीं किसी एक दूसरे के कॉपी में से देख लिया, किसी ने दिखा दिया भाई ऐसे हो गया। अब वो क्या करता कि पता हो किस किसने सही किया है। अब यार जब सबने टीप टाप के सही कर लिया है तो सब लोग हाथ ऊपर को करेंगे ना कि सर हमने कर लिया है। अब वो क्या कि पीछा से एक नमूना उठाता था, नमूना, उसके लिए तो हम सब नमूने ही थे ना, आजा भाई आगे आजा। जो हमारी दो वो थी ना लड़की और दोनों की स्कूल थी, मतलब गर्ल्स बॉय दोनों की थी, आगे बुला लेता था ऐसे, यहां पर आजा। अब बता बेटा पतो किशा पढ़ो, तूने सही कर दिया मैंने मान लिया, पर ये बता कैसे पता लगा कि ये इसका आंसर यही आने वाला है। और उसके बाद में जो कान मरोड़ा करता था वो कमाल का था यार। ओके मैं कल से इस चीज को और देख लूंगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। हमने इसमें अंतिम शब्द को पकड़ने की कोशिश की थी, डी और के, डी के कितने नंबर पर आता है, के कितने नंबर पर आता है गाइस, के कितने नंबर पर आता है बताओ, लिखो कमेंट्स में, मैं देख रहा हूं के आता है साथियों। अरे मैं यूट्यूब कहां गया, चल तो रहा है ना, हाँ चल रहा है। के आता है 11 नंबर पर, डी आता है 4 नंबर पर, के आता है 11 नंबर पर। अब दोनों के बीच का क्या अंतर है इनके बीच में, अब इनके बीच का मुझे अंतर बताइए साथियों। के 11, इन दोनों के बीच का अंतर बताइए मुझे। इन दोनों के बीच में 7 का अंतर है साथियों, कितने का अंतर है, 7 का अंतर है, +7 का अंतर है। अब के 11, के और एस का संबंध बताओ, के कितने नंबर पर आता है और एस कितने नंबर पर आता है बताइए मुझे, कमेंट्स करके बताइए सबके सभी। उन्नीस का अंतर आता है, मतलब यहां पर 8 का अंतर आ गया। यहां पर साथियों 8 का अंतर है, यहां पर 9 का अंतर है, यहां पर 10 का अंतर है और यहां पर 11 का अंतर, यानी एक एक अंतर यहां पर लगातार बढ़ता गया और उसी के अनुसार ये हमारा आंसर साथियों यहां पर कौन सा आ गया, ये वाला आंसर आ गया। किसी को यहां तक 0% भी समस्या, ये मैंने जल्दी जल्दी करवा दिया, मुझे लगा कि आपसे आता है। अगर किसी को 0% भी समस्या है तो मुझे बताओ, 0% भी समस्या है तो मुझे बताइए। किसी को 0% समस्या है वो मुझे बताइए कि गुरु जी हमसे ये नहीं हो रहा है, उसका कल्याण हम करेंगे, स्वयं करेंगे उसका कल्याण। एक भी चेला छूटा, जीआरएफ संकल्प टूटा। वॉइस नहीं आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता, वॉइस नहीं आ रही है भाई, वॉइस तो आ रही होगी ना, सब आ रही है वॉइस वगैरह सब, हेलो वॉइस तो आ रही है,
बैकग्राउंड म्यूजिक भी आ रहा है, वॉइस भी आ रही है, और बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगा रखा है आप लोगों के लिए, और क्या चाहिए बैकग्राउंड म्यूजिक। अब मैं कमेंट देख रहा हूं कि किसी को समस्या तो नहीं है। सर थोड़ा बेसिक्स और ट्रिक बता दो। एक तो कोशिश करना इस क्लास को थोड़ा स्टार्ट से देखने की, आप में से जितने भी लोग हैं ना, एक तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस क्लास को थोड़ा सा स्टार्ट से देख लेना, आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। यार इस वाले मोबाइल में क्या दिक्कत आ गई, इसमें यूट्यूब ही नहीं चल रहा। अब चल गया। अब मैं इसमें कमेंट देख लूं, क्योंकि मुझे कमेंट देखने में दिक्कत आ रही थी, अब मैं इसमें कमेंट देख लूंगा। हाँ मैं एक्चुअली क्या कमेंट देखने में दिक्कत आ रही थी मुझे, मेरे पास एक ही मोबाइल हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को हम बेटा दोबारा से कर लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन को हम दोबारा से कर लेते हैं, जिनको बेसिक्स नहीं आते उनको फिर से समझा देते हैं। देखो हमने क्या किया, हम इस समय पढ़े श्रृंखला वाले क्वेश्चंस। श्रृंखला का मतलब होता है एक के बाद एक पुनरावृत्ति। जैसे अगर यहां पर ऐसा है तो ऐसा यहां पर फिर यह है, तो फिर ऐसा है तो फिर यह आएगा, फिर ऐसा है तो फिर यह आएगा। यानी कि एक छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या, छोटी संख्या बड़ी संख्या, छोटी संख्या, यानी कि इनकी पुनरावृत्ति हो रही है। श्रृंखला में भी साथियों यही चीज है। अब यहां में क्या कि हमको ए बी सी डी के अंक दे दिए गए हैं, उनकी पुनरावृत्ति कर दी गई है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को लेकर चलूं तो एक बात समझूंगा मैं आपसे, यहां पर जो डी है ना साथियों वो आता है चार नंबर पर, और जो के है ना साथियों ये कितने नंबर पर आता है, ये आता है 11 नंबर पर, के 11। अब इन दोनों के बीच में जो अंतर है ना वो कितने का है, प्लस 7 का अंतर है। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, इन दोनों के बीच में प्लस 7 का अंतर है साथियों। कितने का अंतर है, प्लस 7 का अंतर है। अब ये जो के है ना इसका और एस का फिर से संबंध निकालना है, तो हमारा के तो है कितना नंबर पर, 11 नंबर पर, जैसा कि हमने ये देखा के हमारा 11 नंबर पर है। अब इसका एस का नंबर फिर से निकालेंगे, एस कितने नंबर पर है हमारा, एस हमारा 19 नंबर पर है। अब 11 19 माइनस 11 हो जाएगा तो प्लस 8 का अंतर आ गया। मेरा कहने का मतलब समझो आप, डी और के बीच में 8 का अंतर है, के और एस के बीच में, नहीं सॉरी, डी और के बीच में 7 का अंतर है, के और एस के बीच में 8 का अंतर है। इसी प्रकार से जो एस है ना हमारा, एस और बी के बीच में कितना, अब आपको कंफ्यूजन हो गया होगा कि गुरुजी इनके बीच में अब अंतर कितना आ गया, क्योंकि बी तो 2 नंबर पर आता है। अब आपको यह लग रहा होगा कि गुरुजी बी तो 2 नंबर पर आता है, आपने यहां पर प्लस 9 का अंतर क्यों बतला दिया, यह आपके मन में आ रहा है, कितने लोगों के मन में यह आ रहा है। अगर आ रहा है तो पहले क्यों नहीं पूछा, पहले क्यों नहीं पूछा अगर आ रहा है तो। राकेश पांडे बार बार एक कमेंट मत करो, फिलॉसफी की क्लास हम लोग नहीं करवाते हैं, अनअकैडमी पर होती है, मैं वहां पर पढ़ाता हूं, तुम क्लास ज्वाइन कर सकते हो चाहो तो वहां पर यहां पर इस चैनल पर फिलॉसफी क्लास नहीं होती। एक कमेंट को बार बार मत करो, क्लास डिस्टर्बेंस होती है, एक क्लास को बार बार मत करो, एक कमेंट को बार बार। इस क्वेश्चन के बाद बताऊंगा क्लास कैसे कैसे होंगी, इस क्वेश्चन के बाद बताऊंगा मैं आपको क्लास कैसे होंगी। आइए अब हम इसका अर्थ समझ लेते हैं कि ये किस प्रकार से हुआ है। एस साथियों हमारा 19 नंबर पर आता है और बी से हमको संबंध ढूंढना। इधर आइए देखो, ये देखो, देखो इधर देखो, एस कितने नंबर पर आता है, 19 नंबर पर आता है, और बी कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर आता है। अब देखो एस के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आ गया, ये 9 का अंतर आ गया। यहां पर देखो एस और बी के बीच में कितने का अंतर आ गया, 9 का अंतर आ गया। देखो एस है 19 नंबर पर, हम यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यानी कि कहने का मतलब है कि जब एबीसीडी वाले क्वेश्चन करते हैं तो इसमें चेन बनती है, जेड के बाद में खत्म नहीं होता, जेड के बाद में फिर से ए से स्टार्ट हो जाता है। इसी तरीके से जब हमने इस क्वेश्चन को यहां पर किया तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आ गया, 9 का अंतर आ गया। कितने का अंतर आ गया, 9 का अंतर आ गया। अब ये साथियों बी है
और बी एल आता है 12 नंबर पर, बी आता है 2 नंबर पर, इसका मतलब यहां पर 10 का अंतर आ गया। अब यहां पर साथियों चेन बन गई है 7, 8, 9, 10, अगला अंतर क्या है साथियों 11, तो एल में क्या करेंगे हम 11 प्लस कर देंगे, तो एल आता है 12 नंबर पर, 12 प्लस 11 किया तो 12 दूना 24, 23 नंबर, तो 23 नंबर पर हमारा शब्द क्या आएगा W आएगा और साथियों सी आंसर सही हो जाएगा। इस क्लास को बिगनिंग से देखने की आपको आवश्यकता है, जहां पर आपको मैंने इस सारणी को समझाया है अच्छी तरीके से। चलिए करिए ये वाला क्वेश्चन, करें डरिए मत क्वेश्चन देखकर, मैं पानी ले आता हूं, डरिए मत। मजा आ रहा है? करिए क्वेश्चन को। देखिए यार 3 महीने में कोर्स होना पॉसिबल नहीं है, मैं तो ईमानदारी से बोलता हूं भाई, आप लोगों का कोर्स नहीं होगा आपका 3 महीने में, पर 3 महीने के लिए ज्वाइन कर लो, पुरानी क्लास देख रहा के हो जाएगा। तुम पुरानी क्लास देखना फटाफट से, क्योंकि अनअकैडमी पर क्या होता है सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप पुरानी क्लास भी देख पाते हो, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है वहां पर, कि आपने सब्सक्रिप्शन लिया तुम पुरानी क्लास भी देख सकते हो। तो जो कलाकार आदमी होता है ना पुरानी क्लास को फटाफट देख लेता है, डाउनलोड कर लेता है, कुछ भी कर लेता है, तो आप 3 महीना भी ज्वाइन कर लो। हा आप में से जो अधिकांश लोग हैं साथियों उन्होंने सही आंसर दिया है ए, और कुछ लोग, अरे गलत मत करो भाई, सी आंसर नहीं है। इधर देखिए ए कैसे है, हमको क्या है इन दोनों संख्याओं का संबंध निकालना है। मैंने आपसे क्या कहा कि चैन बन रही है एक, इस चैन को निकालना है, 3 और 6 है यहां पर, 3 और 6 के बीच में कितने का 3 का अंतर है, प्लस 3 का अंतर है, 3 और 6 के बीच में कितने का है, प्लस 3 का अंतर है, 6 और 10 के बीच में कितने का अंतर है, प्लस 4 का अंतर है, भाई 6 से आगे 10, 4 का अंतर है दोनों के बीच में, 10 और 15 के बीच में 5 का अंतर है, 15 और 21 के बीच में 6 का अंतर है, तो जाहिर सी बात है अगला अंतर 7 का होगा, तो 21 में अगर 7 जोड़ देंगे तो 28 आएगा, एक अंतर हमारे इस तरीके से निकल गया। 7 और 11 बताओ कितने का अंतर है, 7 और 11 में 4 का अंतर है, आपको पता है कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, 11 और 16 में 5 का अंतर है, 16 और 22 में 6 का अंतर है, 22 और 29 में 7 का अंतर है, 29 और अगली संख्या कितना 8 का अंतर आएगा, 29 में अगर हम 8 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 37 आएगा, तो 28, 37 हमारा आंसर हो गया, इजी सिंपल। इसलिए तो कहता हूं कि मैथ से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप तो रोज इस चैनल पर आ जाओ, अपने सारे दोस्तों को बता दो, दोस्तों के साथ क्लास देखा करो। लूडो क्यों नहीं खेलते आप लोग, लूडो इसको एक तो पंखा चला दो यार, गर्मी लग रही है यार, सीरियसली एसी अभी एसी की अभी सर्विस करवाई नहीं है और पंखे से गर्मी लग रही है यार, गर्मी पड़ने लग गई। आप अपने दोस्तों के साथ लूडो नहीं खेलते, सारे दोस्तों को बुलाकर एक साथ लूडो खेलने लग जाते हो, अपने दोस्तों को बुला लिया करो, आपस में बातचीत करते करते यहां पर क्लास भी देख लिया करो। हाँ क्लास की ड्यूरेशन 1 घंटे की तो हम लोग रखेंगे ही रखेंगे कम से भी कम। ओके मजा आ रहा है, बहुत ही आसान है, आज हमने एक दिन में नंबर सीरीज श्रृंखला को पढ़ लिया है। अब एक क्वेश्चन साथियों 32, देखो अब तक आपने जितने भी जोड़े देखे, एक संख्या दो संख्या वाले जोड़े देखे या 3 संख्या वाले जोड़े देखे, यहां पर जो जोड़े हैं ना वो संख्या में नहीं है, वो अलग अलग हैं। जब भी हम अलग अलग जोड़ों की तरफ जाएंगे और यहां पर हमसे 2 अंक पूछे हैं, एक नहीं हमसे कितना अंक पूछा है, 2 अंक पूछा है,
तो जेड का संबंध डब्ल्यू से, डब्ल्यू का संबंध ओ से, इस तरीके से निकालो, एक शब्द को छोड़कर अगले शब्द से संबंध निकालने की कोशिश करो, कल्याण हो जाएगा। चलिए मैं साइड में हटाऊं, करिए। ओके, हाय अर्चना, आज पहली बार पढ़ा रहा हूं यार इस चैनल पर। मैंने इस चैनल की शुरुआत 3-4 साल पहले की थी, जब मैं पीएचडी में कर रहा था, पढ़ रहा था, तब मैंने इस चैनल को बनाया था। और मैं इस चैनल का जो कंटेंट था ना, वो मैं ऐसे डालना चाह रहा था कि इस पर मैं इंफॉर्मेशन देता था आपको, जैसे यूजीसी की कोई इंफॉर्मेशन आ गई, हायर एजुकेशन कोई इंफॉर्मेशन आ गई, या नई शिक्षा नीति कोई चीजें आ गई, या फिर मेरा पीएचडी का जो अनुभव था उससे संबंधित प्रपोजल सिनॉप्सिस, मतलब इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपको दिया करता था इस चैनल पर। और मैं हमेशा सोच रहा था कि इस चैनल को मैं इसी तरीके का रखूंगा, बट आज ही मेरे दिमाग और मैं ये विचार आया कि यार मुझे ना पढ़ाना चाहिए आप लोगों को एक चैनल पर। फिर ये विचार आया कि यार एक तो है कि मैं इसी चैनल पर पढ़ाऊं, या दूसरा चैनल बना लूं। फिर मैंने सोचा कि दूसरा चैनल भी बनाया मैंने, पर फिर मेरे दिमाग में विचार आया कि यार देख, इतना बिजी रहता हूं, इतनी चीजें करनी होती हैं, मैं दो चैनल को ना हैंडल नहीं कर पाऊंगा, संभाल नहीं पाऊंगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि हमको इसी चैनल पर पढ़ाना है, कितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, कितने नहीं जुड़ते हैं, कितने लोगों का प्रेम मिलता है, इसलिए फिर मैंने यहां पर ही पढ़ाया है। और फिर मैंने मैथ रीजनिंग स्टार्ट करने के एक रीजन ये भी था। अभिषेक, किसने पूछा सवाल? दीपक कह रहे हैं कि महाशय पेपर फर्स्ट पूरा करा दीजिए प्लीज। अरे महाशय, आप डेली क्लास में आओगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, आप महाशय चिंता ना करें। मैं तीनों यूनिट कंप्लीट करवा दूं, मैं सबके 10 के 10 यूनिट कंप्लीट करवाऊंगा। इस बैच का नाम मैंने अर्जुन बैच रखा है। अरे यार, आप लोग ना लेट जुड़ते हो ना, उनको फिर मजा नहीं आता। ये बैच, इसका नाम है अर्जुना बैच, अर्जुना। आपको उधर लिख रखा होगा ऑल कवर्ड ऑल यूनिट, देखो ये लिख रखा कवर ऑल यूनिट, ऑल यूनिट कवर करने वाला हूं। एनटीए यूजीसी नेट 2023 पेपर 1 डॉक्टर लोकेश बाली 3 टाइम JRF बैच अर्जुना। ये रात्रि रोज 9 बजे होगी, कितने रात्रि 9 बजे क्लास होगी रोज, बस आपको आना है। आज तो हमारी पहली क्लास है, ये पूरा पेपर कंप्लीट करवाएंगे, आप चिंता ना करें। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए आप। चलिए, आप लोगों का स्कोर देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं बड़ा कॉन्फिडेंस में आ गया। अब देखो क्या है, हमको इसका अंतर लगाना है जेड और डब्ल्यू। अब मुझे बताओ जेड और डब्ल्यू में क्या अंतर है। जेड और डब्ल्यू, जेड कितने नंबर पर आता है? जेड 26 नंबर पर आता है, डब्ल्यू 23 नंबर पर आता है। इसका मतलब हो गया 3 का अंतर है। कितने का अंतर है? -3 का अंतर है साथियों। कितने का अंतर है? -3 का। -3 लिखने की जरूरत नहीं है, पर -3 का अंतर है। ओके, अब ये जो W है और T के बीच में कितने का अंतर है? T आता है 20 नंबर पर, W आता है 23 नंबर पर, तो 3 का अंतर हो गया। समझते जाओ। अब इस T और Q में क्या अंतर है? Q कितने नंबर पर आता है? Q आता है 17 नंबर पर और T आता है 20 नंबर पर, तो -3 का अंतर हो गया। अब Q से आगे -3, जैसे Q आता है कितने नंबर पर? 17 नंबर पर। अब 17 -3 कर देंगे तो कितने बचे? 17 -3 बताइए, 17 -3 14 बचे, कितना बचे? 14 बचे। तो आपको पता है 14 कितने नंबर पर, कौन आता है 14 नंबर पर? आता है N। तो हमारा एक शब्द क्या हो गया? हमारा जो एक शब्द हो गया साथियों N, क्या हो गया? ये शब्द हमारा N आ गया। अब उसी तरीके से हम S और O का संबंध निकालेंगे। अब यहां पर O कितने नंबर पर आता है हमारा? 15 नंबर। O 15, मैंने ट्रिक बताई थी ना, O आता है 15 नंबर पर। S कितने नंबर पर आता है? 19 नंबर पर। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में -4 का अंतर है।
कितने का अंतर है? माइनस चार का अंतर है। अब ओ 15 पर आता है, के आता है 11 नंबर पर, इनके बीच में भी चार का अंतर है, और के आता है 11 नंबर पर, जी आता है 7 नंबर पर, इनके बीच में भी कितने का नंबर है? चार का अंतर है। तो जी 7 का आता है, तो जी आता है 7, 7 में से 4 घटाएंगे आएगा 3, 3 नंबर पर ए बी सी, सी आ जाएगा एनसी आंसर। क्या आंसर? एनसी। बताओ कितना आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है, कितने आसान तरीके से हमने नंबर सीरीज को समझ लिया है, कितने आसान तरीके से। अब बताओ मैथ कहीं कठिन लगी आपको? कहीं कठिन लगी क्या मैथ? बस मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ये प्रश्नावली है, ये पूरी प्रश्नावली को मैं कंप्लीट करवाने वाला हूं बैच अर्जुन में, और आपको साथियों ये सीरीज याद करनी पड़ेगी जो मैंने क्लास के आरंभ में ट्रिक के साथ समझाई थी। मैंने इसको ट्रिक के साथ समझाया था क्लास के आरंभ में, जो लोग लेट जुड़े हैं इस क्लास को फिर से रिवाइंड करके देख लेना। ये क्लास है जो मैंने आपको समझाई थी, बस इनका क्रमांक आपने याद किया और काम आपका बना। अब टेलीग्राम चैनल का नाम भी सुन लो, जहां पर आपको नोट्स मिलेंगे। नोट्स के लिए टेलीग्राम का नाम सुनो, डॉक्टर एल ओ के ई एस एच बी ए एल आई, डॉक्टर लोकेश बाली टेलीग्राम चैनल। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रत्येक दिन के प्रत्येक क्लास के नोट्स मिल जाएंगे, प्रत्येक दिन प्रत्येक क्लास के नोट्स आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे डेट के साथ। तो आपको इस टेलीग्राम चैनल को, हाँ इस टेलीग्राम, हाँ इस मैंने जो बैच अर्जुन है ना, बैच अर्जुन की मैंने एक लिंक बना दी है, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, उस प्लेलिस्ट में डेली क्लास आया करेंगे। आप चिंता ना करो, जितनी भी चीजें हो सकती हैं बेस्ट से बेस्ट हम लोग करेंगे और बेस्ट से बेस्ट हम लोग करने जा रहे हैं। कल फिर मिलेंगे रात्रि 9 बजे, और 9 बजे मैंने रात्रि का समय इसलिए चुना है कि रात्रि का समय एक ऐसा समय होता है, 9 बजे हम सब लोग घर पर ही रहते हैं, ये नहीं कि मैं कोई बाजार चला गया, बहाने नहीं है। मतलब अगर आप क्लास में नहीं आओगे वो आपकी मर्जी है, लेकिन बहाने नहीं कि सर अब मैं उस समय बिजी हो गया, फ्री वाला टाइम रहता है। कल से कॉपी पेन लेके बैठना मेरी क्लास में, या तो कल आना मत, अगर आओ तो एक रजिस्टर डायरी और एक पेन लेकर बैठना है आपको, है ना। बैच अर्जुना भाई यही है, अर्जुन की तरह ही आपको काम करना पड़ेगा, एकाग्र। यहां देख रहा है नीचे, फोटो में देखो, यहां देख रहा है नीचे और तीर लगा रहा है ऊपर, तो आपको इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। रात्रि 9 बजे क्लास रखने का एक कारण यह भी था कि हमारी जितनी भी जो ऐसे दोस्त जो हाउसवाइफ्स हैं, हाउसवाइफ हैं, गृहिणी हैं, उन लोगों को दिन में समय नहीं मिलता, तो उनको रात्रि में ही समय मिलता है, तो कहते हैं कि सर अब अगर पढ़ाओ ना आप तो रात्रि में पढ़ाना, इसलिए मैंने इस समय को चुना है। अब आपको बताओ 9 बजे का समय कैसा है? 9 से 10 साढ़े, कल देखो शस्त्र लेकर जरूर आना। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पूरी क्लास देखी है? आप में से ऐसे कितने लोग हैं, कितने मिनट तक आपने क्लास देखी है? जैसे नेहा, मैं नेहा क्लासेज ने पूरी क्लास देखी, कितने लोगों ने? जैसे मेरी क्लास 1 घंटा और 13 मिनट की हो गई, अब तक मैंने जो पढ़ाया ना 1 घंटा और 13 मिनट तक पढ़ाया है, आप में से कितने लोग हैं जो शुरू से थे इस क्लास में? पल्लवी शुरू से थी, नंदू शुरू से थी, और मैं नाम जान, अरे बहुत जल्दी अनु, अरे सॉरी, आप लोग खुद पढ़ लो कमेंट्स, बहुत जल्दी कमेंट्स आ रहे हैं। 9:30 रोज 9 बजे क्लास हुआ करेगी। अब मुझे फीडबैक बताओ कैसे लगी आपकी क्लास, लाइक कर दे वीडियो, लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक करो। और सुनो, एक गुरु दक्षिणा चाहता हूं मैं आज आपसे, क्यों चाहता हूं? इसलिए चाहता हूं कि ये हमारी पहली कोशिश है, और मैं चाहता हूं कि पहली कोशिश सब लोगों तक पहुंचे। तो मेरे कहने से आज के वीडियो की लिंक है ना आपके व्हाट्सएप ग्रुप में
या फिर व्हाट्सएप के स्टेटस में या टेलीग्राम पर कहीं शेयर कर देना मेरे कहने से। आपके व्हाट्सएप के स्टेटस लगा लेना ताकि स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके। आप टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देना, कोई ग्रुप बना रखा होगा व्हाट्सएप कर वहां भेज देना, या व्हाट्सएप तो स्टेटस तो आप लगाना ही लगाना, सब लोग व्हाट्सएप स्टेटस लगाना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमको पता लगे। जब ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे ना तो पढ़ाने में और भी मजा आएगा। इतना आप कर लेना मेरे लिए। कोई बात नहीं, बेस्ट बुक बता दीजिए अमित यादव। देखो भाई अमित, मैं बताऊं आपको, मैं 3 times JRF क्वालिफाई हूं। बेस्ट बुक बता रहा हूं आपको, सुनो मेरी बात ध्यान से, सब लोग बेस्ट बुक के बारे में सुनो, मैं आपको बेस्ट किताब के बारे में बता रहा हूं। मैं 3 times JRF क्वालिफाई हूं, दिल्ली में रहता हूं, देश की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी जो है वहां से मैंने PhD किया है, कई वर्षों तक यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाया है, अलग यहां पर भी पढ़ा रहा हूं, मतलब पिछले 5-7 से पढ़ाने का ही काम कर रहा हूं। आज मान लो कोई गाइड है मार्केट में, मान लो मार्केट में बहुत सारी गाइड है, दृष्टि की गाइड आती है, अरियंत की गाइड आती है, और इसके अलावा प्रतियोगिता की गाइड आती है, और बहुत सारी गाइड आती है, मतलब यूथ पब्लिकेशन की गाइड आती है। अब गाइडों के साथ दिक्कत क्या है कि जो गाइड है ना आज से 2-3 पहले छपी हुई होती है। देखो तुम समझो, लॉजिक समझने की कोशिश करो, ये जो गाइड है ना साथियों, ये 2-3 पहले छपी है, और आजकल का जो पेपर आ रहा है ना, ये जो गाइड जब छपी थी, जब इन गाइड को छापा गया था, उस समय के पेपर को ध्यान में रखकर छापा गया था। लेकिन आजकल जो पेपर आ रहा है ना, वो हर 6 में बदल रहा है, और ये किताब ऑलरेडी पुरानी हो चुकी। तो मैं आपको कोई बेस्ट बुक नहीं बताऊंगा, क्योंकि कोई बेस्ट बुक है ही नहीं इस समय। और जो हम लोग जो आप लोगों को पढ़ाते हैं, वो एग्जाम को ध्यान में रखकर पढ़ाते हैं। जैसे अभी मुझे पता है कि अभी कैसी एग्जाम हुई है, मुझे सब लोगों ने फोन कर करके बता दिया, गुरुजी ऐसा पेपर आया है, ऐसा पेपर आया है, ऐसा पेपर आया है। मुझे 2022 के पेपर के बारे में पता है, 2021 के पेपर के बारे में पता है, और मुझे यह भी पता है कि कैसे हमारे पेपर आगे बदलेगा। तो मार्केट में कोई बेस्ट बुक नहीं है, इसलिए मैं कोई बेस्ट बुक आपको नहीं बताऊंगा। आप किसी टीचर के निर्देशन में अगर पढ़ाई करोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे निर्देशन में पढ़ाई करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप किसी भी शिक्षक के निर्देशन में पढ़ाई करो, वो आपको ज्यादा बेहतर पढ़ाएगा, क्योंकि वो अप टू डेट रहता है चीजों के साथ। और किताब छापने वाले ने तो कितने दिन पहले किताब छाप दी है, इसलिए बेस्ट बुक इस समय कोई नहीं है। हाँ, कोई शिक्षक के निर्देशन में आप पढ़ोगे तो वो सबसे बेस्ट है। आप इस मेरी बात को मानते हो नहीं मानते हो, आप जानो इस बात को, एग्री करते हो ना? अनु सिंह, बार बार एक कमेंट्स को मत करो सर, पूरे यूनिट की थ्योरी क्लास करा दीजिए प्लीज। अरे अनु जी, वही करा रहा हूं, एक कमेंट्स को बार बार करते हैं ना, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, एक कमेंट को एक बार करो तभी मुझे दिखेगा, बार बार करने से ना क्लास में स्पैम आ जाता है। एक बार एक कमेंट को किया करो, मुझे दिखता है। यशवंत कह रहे हैं सर मैं PG semester 3 का स्टूडेंट हूं, क्या मैं नेट JRF का फॉर्म फिल कर सकता हूं? भाई जितने भी लोग अपीयरिंग हैं, चाहे वो फर्स्ट सेम में हो चाहे सेकंड सेम में हो, सब लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब साथियों मुझे विदा दीजिए, अब हम अगली क्लास में मिलेंगे, और वो कल 9 होने वाली है इसी YouTube चैनल पर, बैच अर्जुना, रात्रि 9 हर यूनिट को कवर करवाऊंगा और थ्योरी पढ़ाऊंगा, MCQs नहीं, पहले थ्योरी फिर MCQs, यानी प्रॉपर पढ़ाने वाला हूं। अगर मैंने एक बार बीड़ा उठा लिया तो अब, अगर मैंने एक बार आपका हाथ थाम लिया तो मैं आपको जबरदस्ती घीस कर घसीट कर भी सफलता की ओर ले जाऊंगा, छुड़ाने नहीं दूंगा हाथ को, ना छोड़ूंगा हाथ को, ध्यान रखना। तो गाइज लव यू ऑल, ख्याल रखो, वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करना, और मेरे लिए एक थोड़ा फेवर कर देना, सब लोग इस वीडियो के लिंक को अभी कॉपी करके अपने स्टेटस में लगा लेना, ग्रुप व्हाट्सएप में सब जगह भेज देना, ताकि, और बता देना अपने दोस्तों को कि कल से
धमाका हम करेंगे। चलिए साथियों, इस सेशन में जुड़ने के लिए, यूं ही प्रेम बनाए रखने के लिए और हर रात्रि 9 बजे मिलने के लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। तब तक हमेशा की तरह रुको मत, थको मत, डटो मत, हटो मत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।